दोस्तों हालात जो है ना यार वो बड़े ही पेचीदा होते नजर आ रहे हैं, और वैसे ही हम सब इन्फ्लेशन की मार में थे और हर दूसरा बंदा परेशान था, चाहे वो कारोबार कर रहा हो या सैलरी पेशा हो। क्योंकि आज जो है ना वो पेट्रोल 35 रुपये बढ़ गया, जिसका इम्पैक्ट जरूरत अशिया की चीजों की कीमतों पर बहुत ज्यादा आने वाली है। और हर दूसरा बंदा आज इसी फिक्र में लगा हुआ है कि पूरा महीना या आने वाले महीनों में जिंदगी कैसे गुजारी जाए। देखिए ना, आज आप जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा हैं, आपका इंक्रीमेंट 10% लगता है, बहुत सौ का इंक्रीमेंट अभी लगने वाला होगा फिस्कल ईयर। बहुत सी कंपनीज के जनवरी टू दिसंबर चल रहे होते हैं, सिमिलरली जून में बहुत सी कंपनीज के इंक्रीमेंट लगेंगे। तो इंक्रीमेंट तो यार 10 से 15% लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन की जो मार हमें पड़ रही है वो 25 से भी ज़्यादा % पे लग रही है। और एक वक्त था कि हम सैलरी कमाने की प्रेशर में लगे रहते थे, लेकिन आज सैलरी बचाने की नौबत आ गई है और हम इसके प्रेशर में हैं कि किसी भी तरह हम अपनी सैलरी को बचा लें, वरना दिन वो दूर नहीं है कि जो आप कमा रहे होंगे वो हर महीने की 8 या 9 तारीख को आप पी चुके होंगे। खासतौर पे हमें और आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे वो एक्सपेंडिचर्स कैसे हैं जिनकी वजह से हम अपना महीना गुजार सकते हैं, वो लग्जरी आइटम्स जिनके बगैर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई दूसरी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करें, और इस तरह से करें कि आप सिर्फ जरूरती अशिया की चीजों तक महदूद होकर रहें फॉर टाइमिंग, जब तक कि हमारे मुल्क के हालात कुछ बेहतर नहीं हो जाते या आप अपने हालात कुछ बेहतर नहीं कर लेते। देखें, जरूरत है इस बात की कि हम और आप अपनी बेगमात को भी समझाएं कि यार अगर लोशन नहीं मिल रहा है ना तो मलाई लगा लो, क्योंकि मलाई आपको फिर भी मिल जाएगी, हर दूध के उबलने के साथ आपको थोड़ी बहुत मलाई मिल जाती है। हाँ, बोलने की हिम्मत जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या करे इंसान, इंसान को अगर पूरा महीना गुजारना है तो कहीं ना कहीं मियाँ बीवी को मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिचुएशन खतरनाक है और खतरनाक हद तक हम उसको फेस कर रहे हैं, और आने वाले हालात क्या होंगे कैसे होंगे नहीं पता। जॉब रोजगार का हो जाना और कारोबार का अच्छा चल जाना आज का के हालात में बहुत बड़ा तोहफा है। तो कोशिश करें कि आप अपनी जॉब पे सस्टेन रहें, आप अपनी जॉब पे दिल लगा कर काम करें, अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो दें, अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, ताकि आगे आने वाले वक्तों में आपको अच्छी जॉब मिल सके। उन तमाम तर नौजवान लोगों को जो कि 1 से 2 सालों में जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है यार अपने आप को तैयार रखें और आने वाले वक्तों के लिए, और कोशिश कीजिए कि अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लीज कट डाउन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन जरूर कर लेना यार, ये आप ही के काम आएगा, ये मेरे काम कभी नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।